अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और एकदम टेस्टी मटन बिरयानी। मटन बिरयानी तो सभी को पसंद रहती है, लेकिन घर में वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं बन पाती है। कभी वो कच्ची रह जाती है तो कभी ओवर कुक हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन बिरयानी बनाएंगे, जो रेस्टोरेंट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए एकदम इजी वे में बहुत ही टेस्टी और एकदम डिलीशियस मटन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन कोरमा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, इसे मैंने गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है। ये कुकर को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। कुकर गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, तो 4 बड़े चम्मच ऑयल ही है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 20 से 25 काली मिर्च ली है, 4 मैंने लौंग ली है, 2 चुटकी मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है, 3 हरी इलायची ली है हमने, 2 चुटकी मैंने जायफल को कद्दूकस करके लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 ये मैंने चक्री फूल यानी कि बादाम फूल लिया है। तो ये जो इलायची ली है हमने, इसको अच्छे से फोड़ लेंगे ताकि ये इलायची तेल में जाके चटके नहीं। तो मैंने दोनों टाइप की इलायची को अच्छे से फोड़ लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो ये सभी खड़े गर्म मसाले हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हम फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर हम ये मसालों को करीब 5 से 7 सेकंड के लिए सौटे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। और अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर बिरयानी के लिए मटन बना रहे हैं तो हम प्याज का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। बारीक कटी हुई प्याज डालना चाहिए, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बिरयानी का। गैस का फ्लेम हम फुल पर रखेंगे और करीब हम इसे 1 मिनट तक सौटे कर लेते हैं। करीब 1 मिनट हो चुका है और प्याज को हमने अच्छे से सौटे कर ली है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। हम मटन बिरयानी के लिए मटन बना रहे हैं तो इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। 3 बड़े चम्मच ही हम लहसुन भी इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर हम ये अदरक लहसुन को भी अच्छे से कुक कर लेते हैं। करीब 2 मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। हमने यहाँ पर इसे कुक करने के लिए 3 बड़े चम्मच पानी का भी यूज़ किया है। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। गैस का फ्लेम हम फिर से हाई पे कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे करीब 2 मिनट तक कुक करेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पूरा ऑयल सेपरेट होने तक और ये मसाले की भुनने की खुशबू आने तक हम इसे कुक करेंगे। करीब 5 मिनट तक हमने मसाले को भून लिया है और आप देख सकती हैं इसका पूरा ऑयल सरफेस पे आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सी भुनने की खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि 1/2 किलो मटन लिया है, ये बकरे का मटन है। गैस का फ्लेम हम फुल पे रखेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम इवोपरेट होने तक कुक करेंगे। हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें फुल ही रखना है। करीब 5 मिनट तक हमने इसे फुल फ्लेम पर भून लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी भी इवोपरेट हो चुका है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हम एक पीस लेंगे और इस पर थोड़ा सा पानी डाल के इसे चेक करेंगे। मटन यहाँ पर अभी कुक नहीं हुआ है तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैं यहाँ पर 250 ml पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1 बड़ा ग्लास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब हम कुकर को कवर कर देते हैं और 2 सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे। मटन का गलना उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो अगर आपका मटन कम गला है तो आप इसे और ज़्यादा कुक कर सकती हैं। जब तक हमारा मटन कुक हो रहा है हम चावल को भी कुक कर लेते हैं। तो मटन को हम दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक पतीला ले लेते हैं। ये पतीले में हम पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी में हम बॉईल आने तक वेट करेंगे।
पानी में ऑलमोस्ट बॉईल आ चुका है और कुकर में भी विसल आ रही है, तो अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दो तेज़पत्ते लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, एक बादाम फूल लिया है, दो पत्थर फूल और एक 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चावल लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं और चावल को हम 80% तक कुक कर लेते हैं। ये चावल एकदम खिले खिले रहे इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। मटन में भी हमारे विसल आ चुकी है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये हमारे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए 80% ही कुक हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर भी गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर को एक बाउल में रख दिया है, इसमें हम ये चावल को स्ट्रेन करके वॉश कर लेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। मटन को भी चेक कर लेते हैं। 2 विसल के बाद मैंने इसे बंद कर दिया था और आप देख सकती हैं इसका पूरा ऑयल सरफेस पे आ चुका है, लेकिन इसमें पानी अभी भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर देते हैं और इसे करीब 2 मिनट तक हम फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। करीब 2 मिनट तक हमने फुल फ्लेम पर मटन को कुक कर लिया है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये मटन 70% कुक हो चुका है, हमें इसे अभी इतना ही कुक करना था। तो अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिया है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अगर हम पहले से दही को ऐड कर देते तो ये मटन कुक होने में बहुत टाइम लेता, इसलिए हमने पहले मटन में दही ऐड नहीं किया था। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दही को मटन में। गैस का फ्लेम हम फुल पर रखेंगे और फिर से हम ये कुकर को कवर कर देंगे। अब हम इसमें 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। 1 विसल के बाद हम इसे चेक करेंगे। 1 विसल हो चुकी है, तो अब हम ये मटन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकती हैं कितना बढ़िया ये दिख रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन इसका ऑयल अभी भी पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है। तो हम इसे करीब 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर फिर से कुक करेंगे ताकि इसका पूरा ऑयल सरफेस पर आ जाए। करीब 1 मिनट तक हमने इसे फुल फ्लेम पर कुक कर लिया है और आप देख सकती हैं इसका पूरा ऑयल सरफेस पे आ चुका है, परफेक्ट टेक्चर है ये। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे और इसके अंदर हम तरी डालेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया है, तो ये तरी के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा इसमें डाल दिया है, गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, तो हम यहाँ पर आधे चावल यूज़ करेंगे और आधे हम ऊपर डालेंगे। चावल के हम एक तेल लगा देते हैं। ये चावल के ऊपर हम पूरा मटन डाल देते हैं। मटन बिरयानी में मटन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, उसी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मटन को हम अच्छे से फैला देंगे और अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटे हुए पुदीने की पत्ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने 1 कप पुदीने की पत्ती ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लिया है, तो ये टमाटर को भी हम यहाँ पर जमा देते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें नहीं तो नहीं करें। अब हम फिर से इस पर जो बचे हुए चावल है उसकी एक लेयर लगा देते हैं। गैस का फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं किया है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्ती। यहाँ पर मैंने थोड़े से प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है, वो भी मैंने इस पर डाल दिया है। और इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसे कवर कर देते हैं। पहले हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे और उसके बाद हम इसे एक एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से अच्छे से कवर कर देंगे। पहले ज़माने में आटे से इसे कवर किया जाता था, लेकिन वो ओल्ड फैशन हो गया है। हम अब इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे आटे से भी कवर करके रख सकती हैं। और हमने एक तवे को गर्म होने रख दिया है गैस पे दूसरी, तो अब हम ये भगोने को साइड में रख देते हैं और गैस पे हम तवे को रख देते हैं। तवे पे हम ये बिरयानी को रखे करीब 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तवे पे रखने से ये जो बिरयानी है ये बिल्कुल इवनली कुक होगी, पूरी अच्छे से हीट इवनली स्प्रेड होगी और बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। करीब 15 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। बिरयानी को बिल्कुल ध्यान से खोलें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है,
और आप देख सकती हैं कितना बढ़िया इसका टेक्सचर दिख रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और हम ये चावल को दबा के देखेंगे तो देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है, बहुत ही परफेक्टली हमारी बिरयानी कुक हो चुकी है। तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये हमारी बहुत ही बढ़िया और गर्मा गर्म बिरयानी बन के तैयार है। इसका लुक और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसे गार्निश करेंगे। तो गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज, अनियन रिंग, लेमन स्लाइस और पुदीने की पत्ती। तो आप देख सकती हैं कितनी बढ़िया ये हमारी बिरयानी घर पे बनके तैयार हो गई है और रेस्टोरेंट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। इसका लुक जितना परफेक्ट है इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आप इस डिलीशियस और एकदम टेस्टी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेस्टोरेंट से भी बहुत ही अच्छी मटन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी सुपर टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. I'm a check, you know, I know that you like it like that. I wait design and check the name on the tag. White fox fur, I'm a check, you know, I know that you like it like that. I wait design and check the name on the tag. White fox fur.